अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुचिता जी, पिंकू के पापा ने ना आपको भुलाने में बहुत वक्त लगा दिया, पर अभी सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि आप और आपकी बच्चियां वापस आ गई। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, आप भी एक माँ है, एक पत्नी है, आप मेरा दर्द समझ सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। पिंकू के दादाजी ने आपको रोका है और उनके फैसले का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन जब से आप यहाँ आई है पिंकू के पापा के बढ़ते कदम एकदम से पीछे हो गए। दिशा, आप चाहती क्या है, आप मुझे साफ साफ बताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार, बस एक बार आप पिंकू के पापा की अपने पति से बात करा दीजिए। रुचिता जी, आपकी मांग में जो सिंदूर है, गले में जो मंगलसूत्र, वो मैं भी चाहती हूँ। इस खाली फ्रेम में ना मैं अपने और पिंकू के पापा की शादी की तस्वीर लगाना चाहती हूँ। रुचिता जी प्लीज, आप उन्हें विश्वास दिला दीजिएगा कि आप खुश है, जिससे उनके मन में कोई गिला शिकवा ना रहे और पिंकू के पापा को यकीन हो जाए कि उनकी जगह आपकी जिंदगी में अब नहीं है। आप पिंकू के पापा से अपने पति की बात करवाएंगी ना? नहीं, वो बाहर है अभी, उनसे बात करना मुमकिन नहीं होगा। और फोन पे कैसे समझाऊं मैं उन्हें, ऐसी बातें तो आमने सामने बैठ करके होती है ना, मुमकिन नहीं है उनसे बात करना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन पिंकू के पापा ने कौन सा आपके पति को देखा है? कोई और भी पिंकू के पापा से बात कर लेंगे ना तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सब सही है और आप खुश हैं। कहीं ना कहीं दिशा सही कह रही, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना अगर निहार जी मेरे पति की बात की तह तक गए तो सारा सच बाहर आ जाएगा। दिशा जी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर सब कुछ मेरे आने के बाद बर्बाद हुआ है तो मैं ही सब कुछ संभालूंगी। आप बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हे भगवान, रुचिता जी बस ज्यादा समय ना लगाए, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा समय लगाया तो मेरा और पिंकू का समय चक्र बिगड़ जाएगा। ये लो रूही बेटा, तुम्हारे लिए। ये लो जूही बेटा, आपके लिए। लो 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 बेटा लो। ये भेना, हमेशा की तरह आप फिर से रूही जूही का नाम भूल गए। ये लो बेटा, ये आपके लिए, और रूही ये आपके लिए। वो क्या है ना, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना बच्चों से, तो इसलिए नाम में कंफ्यूज हो गए, और बच्चियां भी इतने टाइम बाद मिल रही अपने पापा से, इसलिए ऐसे डर गई हैं। नहीं तो बचपन में तो इनके आते ही इनके गोदी में बैठ जाती थी दोनों। हाँ, है ना जी, मैं आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी और मेरी बच्चियों का आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, और ख़ास करके आप मिस्टर निहार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सॉरी, वो मेरा हाथ थोड़ा कड़क है। रुचिता, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पति से मिलकर। वैसे बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की, दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अपने लिए इस बार तुमने एकदम सही पति चुना है। आओ बेटा, आप रुचिता के हस्बैंड हो, हमारे खास मेहमान हो, आओ अंदर। जी जी। घर तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। सुनो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमारे बीच जो डील हुई है वो याद रखना, ठीक है? अरे
अरे पकड़ो इसको, छोड़, मेरा मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। क्या हूँ मार दूँ? इतने हटे कट्टे हो तुम, पढ़े लिखे लग रहे हो और चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा भी एक छोटा सा थिएटर हुआ करता, लेकिन उस थिएटर में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, यहाँ तक के खाने के पैसे नहीं बचे, इसलिए मजबूरी में ये चोरी करनी पड़ी। मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। वो देखो, वो रहा चोर, ये रहा, ये यही है वो चोर, किसी ने मेरा मंगलसूत्र चुराया, इसको पकड़ो, मारो मेरा मंगलसूत्र, यही है। सुनिए मेरी बात, पीसे ने माफ कर दीजिए, इन्होंने जो भी किया है बहुत बड़ी मजबूरी में। ये लीजिए बहन जी आपका मंगलसूत्र, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलो ठीक, चलो। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कुछ भी करूंगा, नुक्कड़ करूंगा, नाटक करूंगा, गधा घोड़ा पहाड़ पति सब कुछ करूंगा, और जो बनना पड़े वो बनूंगा, लेकिन अब मैं इज्जत के पैसे कमाऊंगा, ना कि ये चोरी के, और ना कभी किसी से भीख मांगूंगा। नमस्ते। आपको काम चाहिए था ना? जी मैडम। मेरे पास एक काम है। जी। तुम्हें एक दिन के लिए मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी होगी, लेकिन सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ 24 घंटे के लिए, उसके बाद हम घर वालों को दिखाएंगे कि हम अपने अपने घर जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। रिंकू बेटा जल्दी आओ, बस छूट जाएगी। जी डैडी। कितना टाइम लगाता है, ये लो जल्दी करो अब। पिंकू आप अपनी बुक्स तो भूल ही गए, आज इसका टेस्ट है ना आपका। सॉरी मम्मी। पिंकू के पापा, इसको अच्छे से बस स्टॉप तक छोड़ाइएगा। चले। बाय रुई जुई। बाय। चलो चलो जल्दी अब। बस इसलिए मैंने हाजी से अपने पति के बारे में झूठ बोल रही, उनका पछता हुआ घर मैं नहीं उजाड़ सकती। मैं निहारंगल को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। मैं तो उनके साथ दादू और पिंकू को भी मिस करूंगी। क्या कर रहे हो बच्चों? बेटा आप दोनों ना उन अंकल से दूर रहना, और किसी से मत बताना कि वो आपके नकली पापा है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। अरे वाह पेंटिंग, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, ला मैं बनाता हूँ। ये हमारा कलर है। अरे मैं बेटा तुम्हारा पापा हूँ, चलो लाओ दो। लाओ। नहीं आप हमारे फेक पापा हो, रियल पापा नहीं, और ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन पापा तो हूँ ना बेटा, और पापा की बात सबको माननी पड़ती है। ला दो मैं बनाता हूँ, खींच के दूंगा। राकेश आओ, बच्चों इधर आओ, अपने पापा के पास आओ, आओ आओ। पापा हो तो पापा जैसा बिहेव भी करो, इतने टाइम बाद आए हो और आते ही बच्चों पर हाथ उठाने वाले थे। ये मेरी बच्चियां हैं, अगर ये गलतियां करेंगी तो इन्हें डांटने का हक भी है मुझे। चलो बच्चों। डांटे और मारने में फर्क होता है, एक असली पिता अपने बच्चों पर बिन वजह हाथ नहीं उठाता। तुम सच में इनके पापा हो या फिर? निहार जी शक करने की भी एक हद होती है। कितनी बार कहूं मैं आपसे कि ये मेरे पति हैं। आपको जितना शक करना है आप करते रहिए। मैं, मेरी बच्ची और मेरे पति यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। आप मेहरबानी करके प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।